गीला है गीला है। हम लोग का इनिशियल प्लान जो था मुंबई से हम लोग ऑब्वियसली श्रीनगर कारगिल ले मतलब गुजरात होते हुए जाएंगे, सो दैट आप ग्रेजुअली ऊपर चढ़ते हो लद्दाख के लिए, श्रीनगर कारगिल लेह के लिए। तो हम लोग को ये फोटो अभी मैं यहाँ पे स्क्रीन पे डाल दूंगा, वन ऑफ आर वेरी गुड सब। दिल्ली से हम लोग का प्लान था जम्मू पहुँचने का, ये राइट लेफ्ट जर्नी। तो तीन साढ़े तीन बज गया है और आँख नहीं खुल रहा है ना मैडम, उठ जाओ। गुड मॉर्निंग, रख रहा इधर। साढ़े चार बजे है, डे थ्री ऑफ द राइड एंड गाइस पिलान में चेंज रहने का, घनघोर चेंज रहने का, आपको बाद में बताते हैं। फिलहाल चलते हैं, बाइक स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में बताते हैं आपको। तरफ ब्लू कर दिया थीम, इधर येलो था ना, बहुत कंप्लेन करती है। तो चलो निकलते हैं, बोथ द बाइक्स आर रेडी, रनिंग इन क्यों बोल रहा हूँ मैं, कोल्ड स्टार्ट हो गया है, फटाफट चलेंगे। जय गणपति बप्पा, जय माता दी। एंड दिस वाज क्वाइट लवली स्टे, पार्क इन बाय रेडिसन है ये। हाँ सुकेश, गुड़गांव रुकने वाले थे, बिलासपुर रुक के बहुत अच्छा काम हो गया। ये हम लोग 2015 में रेवारी से अंदर घुसे थे, तो लेफ्ट में रेवारी पड़ता है, तो अभी ये हम लोग ये कनेक्ट करके यहाँ से अभी राइट मारेंगे जो रोहतक जाएगा, रोहतक से फिर अम्बाला तक जाएंगे हम लोग। आज का प्लान आपको जो था, एक मिनट राइट लेना है किरण आराम से। हाँ ये राइट लेफ्ट जर्नी, तो हाँ ये इसका ना राइट लेफ्ट का इशू है ही, तो मैं अभी वीडियो चालू था इसके लिए मैं राइट लेफ्ट बोला, अदरवाइज मैं क्लच वाला बोलता हूँ। ये देखो मस्त तो स्टैचू था। हाँ तो अभी रोहतक के डायरेक्शन में जाएंगे, हायराम हो गए इसके साथ, फेस पाम कर वापस फेस पाम राइट फुल और लेफ्ट घुस गए होता है। हाँ ये दिमागी बीमारी है, दिमाग रिप्लेस करना पड़ेगा। लवली सनराइज गाइस, भी इसमें से झाड़ी में से नहीं दिख रहा होगा, लवली लवली सनराइज। आ रही है क्योंकि ठंड है वेदर और बॉडी को ठंडी की हैबिट नहीं है, तो के प्रजापति ढाबा पे रुक रहे हैं एक दो पाँच मिनट के लिए, पानी वानी रिफिल करेंगे और निकलेंगे। पानीपत 73 किलोमीटर्स, पानीपत सोनीपत अम्बाले चंडीगढ़। आह हाँ 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 जे बात, इसका मज़ा ही अलग है नहीं, ये चीज़ का नींद निकालेगी लगता है। तो अभी टाइम टू अप्लाई सब ल्यूब, आज रात को पूरा क्लीनिंग करना पड़ेगा या फिर कल कर लेंगे, कल हम लोग का एक्स्ट्रा हॉल्ट रहेगा। बेचारे मेरे बाल, मैं ऐसे बहुत दिन बाद आज खोली बाल को, थोड़ा जी बाल ब्रीथ करे, मेरा बाल टेढ़े हो गए, देखो मैं सीधा कर रही हूँ टेढ़े, ये देखो। एनीवेज गाइस, हेलमेट और बाइक्स ये सब करना है, तो ये सब इट्स ओके। बाय द वे सुबह से क्या राइड करी है हम लोग ने, इतना मज़े वाला ना, ये जो हाईवे है नॉट दैट ग्रेट। सचिन जो है वो वाइजर चेंज कर रहा है, थोड़ा धूप धूप हो गया और आँख में धूप पड़ने से ना नींद सा आने लगता है। तो अपडेट ये कि जो हाईवे है वो इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा पैची है। ये वाली वीडियो ज़रूर देखना, कुछ एडवेंचरस करने वाले हम लोग, बहुत डर लग रहा है उस चीज़ के लिए। लेकिन ब्रेकफास्ट करते वक्त आपको सब डिटेल बताते हैं, हिज बियर्ड एंड हर क्लॉज, अभी भी वो मार्क है इधर, तेजा बना। Thank you.
वहाँ पर है ना अंदर दो लोग बैठे हैं और ऐसा है ना मैरिजुआना रहता है ना, हाँ उसको ऐसे ऐसे ऐसा कर रहे हैं, कुछ माल वाल का सीन है गाइस। पर ठीक है, देवर लाइक क्वाइट जेंटलमैन, जब अब तक हम लोग थे तब तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा हम लोग को, हमारा टाइम लेने दिया वो लोग ने। अगर आपको दिक्कत होती है सामान बांधने के लिए अपने लॉन्ग राइड के लिए, तो ये महाशय से सीखें, कुछ सीखें, क्या अच्छे से बांधा है यार। ऑफ रोड पे मज़े करते करते गिरोगे ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन है ना किसी और के गलती के वजह से अगर गिर जाते हैं ना तो बड़ा गुस्सा आता है। और एनिमल्स और डॉग्स, या फिर कोई अचानक से कोई गांव वाला टर्न मार लेता है, या फिर डाइवर्जन पे, हमारा तो रूल है कि हम लोग हमेशा स्लो करते हैं नो मैटर कोई आ रहा है या ना रहे। देखो यहाँ पर लाइफ गाइज, लाइफ। सो ये देखो यहाँ पर डॉजी ने अभी अभी क्रॉस किया। हमें को आपको यही बताना है कि किसी और के गलती से अगर गिर जाते हैं ना तो बड़ा दुख होता है, मतलब ऐसा लगता है कि यार मेरी तो गलती नहीं थी, लेकिन उसमें भी आपकी गलती होती है। आप मतलब उस स्पीड पे थे जिस स्पीड पे आप ब्रेक ना मार पाए, आपके रिफ्लेक्सेस पे वॉक कीजिए। अगर आपने ठीक से देखा नहीं मतलब आप कुछ तो मतलब गलत हुआ है। अपने वजह से गिरो चलेगा, दूसरों के वजह से कभी भी मत गिरना, खुद को अलर्ट रखना इतना, स्पेशली वेन यूर ऑन लॉन्ग राइड। अभी तो लद्दाख देखा भी नहीं है, बर्फ देखा भी नहीं, और ऐसे एनिमल्स के वजह से इधर ही गिर पड़ के बाइक तोड़ लेंगे तो उसमें मौज नहीं है गाइस। सो जस्ट अ स्मॉल टिप, अगर आप लद्दाख राइड प्लान कर रहे हो तो इसमें जो मज़ा है, ये लोग ने अपने आप को रस्सी से बांध रखा है कि ब्रेक मारा तो दो तीन बाहर ना टपके। वाह सल्यूट। तो हम लोग का क्विक वाला ब्रेकफास्ट हो गया यार, ब्रेड खा के ना ब्रेड हो जाएंगे, माय गॉड। सब ले लिया ना, कुछ छोड़ा नहीं ना। क्या रश है गाइस, वीकेंड गाइस, ओह पीपल। कुछ आधा घंटा चला रहेगा, एक ब्रेक लेने वाले हैं। मेरे को ग्लास में पानी पीने की ना वो ऐसे अंदर से ना ऐसे तलब बोलते हैं ना, तलब का रियल वर्ड वो आया है। तो मन्नत हवेली में रुकेंगे, हाँ ग्लास में पानी पियेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, और वो भी एक्वाफिना वाला पानी मुझे पसंद है, लाइक बिस्लरी। ओह नहीं, एक्वाफिना पीने की तलब है ये। रुके भी तो कहाँ हवेली में, और वहाँ पर इतनी अंदर रश होती है, अंदर जाने का मन चल। ग्लास फाइनली मिल गया है और इसका एक्वाफिना नहीं मिला। बिस्लरी रियल वाला है या बिस्लरी ली वगैरह? नहीं आज नहीं, हालत खराब हुई हम लोग के क्योंकि हम लोग भी स्लो थे और रोड भी खराब था। चंडीगढ़ का ट्रैफिक में हालत ख़राब हो गई है 38 डिग्री सेल्सियस में। फिर मैं इस बैग ये देखो यॉन कर रही है एकदम, मज़ा नहीं, लाइफ चल रहा है बहुत ज़्यादा शाइनिंग में प्रक्रिया। क्या चाहिए? मुझे ये चाहिए ये चाहिए मुझे वो चाहिए। तो कहीं मिल, वो तो मिलने से राइडर में फेवी क्विक से स्टिक हो गई। तेरी सीट अच्छी है, मेरी सीट पे ना महंगी बाइक है ना, महंगी बाइक देखोगे ना ऐसा रेड पैचेस देखोगे क्यों मतलब, लेकिन ऐसा रेड नहीं चाहे एक वीडियो शेयर कर दूं मैं आपको, बताओ मुझे वो वीडियो में बताना कि कौन किसका चरणों में है, शेयर कर दूं। मेरा शूज क्लीन कर रहा है, मैं तेरा शूज साफ करवाया था। वेरी गुड, एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए। अभी मैं कुछ बोला तेरे को, यहाँ से उठा रहा जबरदस्ती देख रहा हूँ ऐसे पटक रहा तेरे को, मैं राजपाल यादव को कैसा पटक रहा हूँ अंजलि खान ने। अच्छी है, जल्दी निकलने का फायदा ये होता है
हम लोग वही बोल रहे थे कि ब्रेक तो ज़्यादा ले रहे, भाई गर्मी तो बहुत है, 35 डिग्री सेल्सियस है, तो राइड तो करना है। और मुंबई से ट्रांसपोर्ट करके आने में और राइड करने में ना यहाँ से मौज नहीं है गाइस। जो मुंबई से राइड करके यहाँ पे आओ और फिर माउंटेन्स में जाओ ना, उसका फील ही अलग है। ये अंकल ने स्टड्स का तो एटलीस्ट हाफ हेलमेट पहना है, बट आंटी को कलिंगड़ काट के कलर मार के दिया है, कुछ बचाएगा नहीं सर वो। आंटी बेटर हेलमेट ले लो। खुद का ही वीडियो देख रही है, डे टू का वीडियो। हाँ क्या बोल रहे, कैसा लग रहा है? जस्ट लाइक ओल्ड टाइम हम लोग राइड कर रहे हैं, लाइक अ डॉग वी आर राइडिंग, जैसे किरण सचिन। मतलब हम लोग हमेशा से राइड से कभी दूर नहीं गए, लेकिन उस टाइम पे जब है ना लोअर सीसी बाइक पर ऐसे पेल रहे ना बाइकों से लगातार 3 दिन से 800 700 800 है आज फिर से। थैंक यू गॉड गाइस, इन लव विद दीज ग्लोव्स बाय स्काला, स्काला ट्रैकर। दिल्ली से हम लोग का प्लान था जम्मू पहुंचने का, बट ये डेफिनेटली जम्मू का रोड नहीं है, ये रोड जो है मनाली का है। अभी रुकने के बाद आपको बताते हैं कि क्या स्टोरी हुई, क्यों हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं, और आज नाइट राइड होने वाली है। ये भाई नाक साफ कर रहा है, भाई हेलमेट हेलमेट के साथ साफ कर देता ना। चलो ड्राई रन स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ये रीजन में मैं ये देख रहा हूँ कि कोई सामने से डाल नहीं रहा है, एंड ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है, बट स्टिल एवरीवन इज पेशेंट एंड वेटिंग। आई ऑलवेज टेल दिस टू एवरीवन हु कम्स एट रूम स्टोर कि सर एक या दो टिप बताओ क्या करो, मतलब कीप ड्रिंकिंग वाटर। हम लोग को नया चुल मचा है, मैं ना वो करने वाला हूँ, सार्वजनिक जगह पर रहता ना कि ग्लास को ऐसा चेन बांध के, तो सैडल बैग या टेल बैग के इधर चेन से बांध के रखूँगा इसको, बहुत ग्लास में पानी चाहिए रहता है, एक्चुअली पीने में मज़ा आता है। और 200 किलोमीटर है कई 189 किलोमीटर टू बी प्रिसाइज। अभी फटाफट एक ना क्विक वाटर ब्रेक लेंगे, किरण को बोला है तो बोलती हाँ हाँ ग्लास में पानी पियेंगे अपन, ठीक है। और वैली मस्त दिख रहा है, एंड वी आर टेकिंग सम टाइम टू लाइक गेट एक्सपीरियंस। काफ़ी मतलब सिंगल रोड, अभी 4 लेन का हैबिट था ना, सिंगल में सब लोग अंदर 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 आ रहे, तो वाओ व्हाट अ लवली वैली। राइड टू माउंटेन्स हैज बिगन गाइस, ट्विस्टीज भी चालू हो गए हैं, और ऐसे डरावने दिखने वाले ट्रक्स भी, बी वेरी केयरफुल। ये देखो कहाँ जाऊँ मैं, सेना डिस्कनेक्ट हो गया है, तो हम सचिन के लिए थोड़ी देर रुकते हैं, कहीं तो जगह मिलता है। घाट पे तो हमें शांति दीजिए। सचिन के बाइक का जो पीछे का रेयर ब्रेक था वो थोड़ा लग नहीं ही रहा था, लग रहा है बोल रहा अभी मैं आगे के ब्रेक पे काम कर रहा हूँ। गब्बर के साथ सब ठीक है, ज़्यादा अच्छा नहीं बोलूँगी ना तो फिर वो भाव खाने लगता है। आखिर बंदा मेरा है ना, तो भाव तो खाएगा ही। छोटा सा गब्बर, तो छोटा नहीं है बहुत बड़ा है। तो गब्बर ने प्रॉमिस किया है कि मैं तुझे सेफ रखूँगा, और मैंने गब्बर को प्रॉमिस किया है कि मैं आपको सेफ रखूँगी। हम दोनों ने एक दूसरे से ये पिंके प्रॉमिस किया है, देखते हैं। तो राइड बहुत बाकी है, अभी तक तो शुरुआत भी नहीं हुई है हम लोग जो कर रहे हैं। पहाड़ों पे हमेशा टाइम लेकर चलिए, क्या भयानक गर्मी हो रही है ना, वो अलग स्टोरी है। उधर पीछे कुछ तो एक गाड़ी भयानक तरीके से टूटी हुई थी, तो एम्बुलेंस वगैरह जा रहा था। इतना डरावना काम कर रहे हैं ना ये लोग,
बच्चियां हैं इनके साथ, पंजाब की गाड़ी है। यार मेरे भी बहुत सारे पंजाबी दोस्त हैं यार, सब लोग पगड़ी पहनते हैं और उसके ऊपर हेलमेट भी पहनते हैं। पहन लो यार, आई नो पगड़ी बहुत इम्पोर्टेंट है बट हेलमेट भी है ना गाइस। ये देखो बच्ची बैठी है बीच में, ये देखो गलत काम है, वो सो ही हुई है उधर वाली जो है। फोर्थ और फिफ्थ मील ऑफ द डे। हम लोग का इनिशियल प्लान जो था मुंबई से हम लोग ऑब्वियसली श्रीनगर कारगिल ले मतलब गुजरात होते हुए जाएंगे, सो दैट आप ग्रेजुअली ऊपर चढ़ते हो लद्दाख के लिए, श्रीनगर कारगिल लेह के लिए। तो हम लोग को ये फ़ोटो अभी मैं यहाँ पे स्क्रीन पे डाल दूँगा, वन ऑफ आर वेरी गुड सब्सक्राइबर उन्होंने ये फ़ोटो डाला कि बोला कि नेक्स्ट 3-4 डेज़ के लिए श्रीनगर कारगिल हाईवे जो है बंद रहेगा, सो यू प्लान योर थिंग्स अकॉर्डिंगली एंड देन वो चालू रहेगा नहीं रहेगा दैट्स अ डिबेटेबल क्वेश्चन, क्योंकि वो फटाफट रिपेयर हो भी जाता है। बट देन वी थॉट लद्दाख का प्लान किया है तो लद्दाख ही जाएंगे, कहीं और नहीं जाएंगे, हिमाचल वगैरह नहीं जाएंगे। तो नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स मनाली। हम लोग अभी मंडी के आसपास है, थोड़ा लेट हो गया बिकॉज बहुत ट्रैफिक है, आज फ्राइडे है, फ्राइडे की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। तो यहाँ से हम लोग अभी मनाली जाएंगे एंड मनाली से हम लोग ले जाएंगे, दैट विल बी डेफिनेटली चैलेंजिंग, हम लोग ने कभी नहीं किया है बिकॉज यू इमीडिएटली मतलब अपना बहुत हाई पासेस चालू कर जाते हो। तो बाइक से कैपेबल हम लोग भी कैपेबल है, वो टेस्ट होगा क्योंकि इतना जिम विम करने का क्या फ़ायदा फिर। तो लेट्स सी, आई विल कीप यू अपडेटेड। मुझे नहीं पता लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, लेकिन गब्बर हम कर लेंगे, गब्बर ने पिंकी प्रॉमिस की है। पेट पूजा किया हम लोग ने, जो अभी हम लोग ने अंडा भाव खाया वो बहुत हसीन लाजवाब था। ये दिख रहे हाथ का कंडीशन, सो ये वाले ग्लव्स फिर भी अच्छे हैं। आई डोंट नो, वीडियो जस्टिफाई नहीं करेगा। मजा आ रहा है, बहुत दिन के बाद इतना तोड़फोड़ राइड चल रहा है हम लोग का, और आज पता नहीं कब पहुंचेंगे। एंजॉयिंग। एक में हम लोग ने येलो लाइट लगाया सो दैट फॉग और डस्ट में दिख जाए, क्योंकि ऑफ रोडिंग भी आती है बीच बीच में, और एक में हम लोग ने वाइट लाइट लगाया। भयानक ऑफ रोडिंग के बाद ट्रैफिक। क्यों अटकूंगी, हाँ ऑब्वियसली। ऐसे बीच बीच में ना अचानक से पैचेस आते हैं ऑफ रोड के, और फिर ठीक ठाक है, फिर अचानक से खराब, फिर ठीक ठाक है। टू मोर आवर्स, टू एंड हाफ आवर्स टू गो। क्या हुआ, क्यों हंस रही है? सचिन बताया यहाँ पे ये लोग सब लोग गाड़ी देख रहे थे, और एक अंकल ना ये पत्थर है ना इसके, एक अंकल ना ये पत्थर है ना, ये पत्थर के ऊपर गिर गए, गंदा गिर गया वो जो है ना, ये अंकल जो बनियान नीचे है ना वो गिर गए, गंदा लगा रहेगा उनको। ये लगता है ना सब लोग दारू पी के इधर घूम रहे हैं, मजा नहीं, लाइफ चल रहा है। हमारे प्रिय मित्र, हमारे प्रिय सब्सक्राइबर ब्रोम का बालकलावा लद्दाख रिटर्न हो चुका है। हाई फाई, सही है, चलो राइट से। इंच। चलो राइट से। ये पूछा था वाटर क्रॉसिंग कितनी है? ठीक है ना फिर। आपको याद होगा मैं कुछ हफ्ते आपके पहले आपके स्टोर पे आया था। 3:30 बजे से राइड कर रहे गाइस। हाउ आर यू सचिन, पूछना ठीक बात नहीं है। वेदर ना इतना कोई आ रहा है। ब्लूटूथ के फायदे, अरे यार मुझे रास्ते पे मत दो दोस्त।
गीला है गीला है। ये पहाड़े क्या डरावने लगते हैं। नहीं ये देखो हम लोग कितने टाइनी से हैं ये पहाड़ों के सामने। भगवान वहाँ उड़ाओ पानी मेरे ऊपर गंदा वाला। जिंदगी कैसी है कहे। वो पेट्रोल भी नहीं भर रहे ऐसा जिंदगी हो गया। पेट्रोल भी नहीं भर रहे लोग तो बिल्कुल भी खूबसूरत हसीन नहीं है। और 50 किलोमीटर बाकी है। एक चार अभी दूर बाकी है दोस्त। लकीली बारिश नहीं है और ठंड भी नहीं है ज़्यादा। नहीं तो तवा लग जाती। क्या लग जाती? तवा बोले तो वाट उल्टा। अभी परसों के लिए हम लोग रेडी हो रहे हैं। ये जेरी कैन में भी पेट्रोल भर के रख लेंगे सो दैट कल रेस्ट होगा एंड परसों कोई टेंशन नहीं है। मैं हैप्पी हूँ कि ये इसको थोड़ा थोड़ा जम रही है। इतनी नर्वस थी ना मुंबई से लेके नर्वस थी कि मैं कर लूँगी ना कर रही है और कर लेगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा ड्रॉप होगा ना। नहीं करूँगा मैं ड्रॉप। अभी वो जो मुंबई के हमारे क्लाइंट मिले थे क्लाइंट सब्सक्राइबर फैमिली बोल सकते हैं वो बोले एक 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 वाटर क्रॉसिंग मध्ये पढ़ लो मतलब पढ़ ले शिवाय मजा नहीं। पता नहीं उधर कितना दिख रहा होगा बट वहाँ से ना एक बड़ा सा पत्थर रोल होकर ऐसे डिवाइडर तक आया इसलिए वो लोग ने वो रास्ता बंद किया और ये ही एक सिंगल रास्ता बना दिया है। वो देखो उधर लैंडस्लाइड हो चुकी होके देखो ये बड़े बड़े पत्थर गिरे हैं। डरावना था वो। यहाँ पर अगर आप देख सकते हो ये वाला रेड आइकन अभी मेरा टाइम सेट नहीं है वो टाइम नहीं मिला करने का लेकिन अगर आप वो रेड आइकन देखते हो तो मेरा जो हीटेड ग्रिप्स है वो चालू है और मैं बता नहीं सकती इतना हसीन चीज़ है ये। इतना अच्छा लग रहा है। ओह गॉड टचवुड राइड अभी बहुत बाकी है। टचवुड